सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आने वाले हफ्ते में और हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं आने वाली एक्सपायरी के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड सपोर्ट माय वर्क। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन रिसीव रेगुलर अपडेट्स व्हेनेवर आई शेयर अ न्यू वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सी, आजकल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, 1 से 1.5% की मूवमेंट डेली हो रही है दोनों इंडेक्सेस में ऑन अ रेगुलर बेसिस, और ज़िगज़ैग मूवमेंट बहुत ही कॉमनली हो रही है। कुछ पॉइंट्स अप हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स डाउन हो रहे हैं, बट अगर हम लॉन्गर टर्म आउटलुक देखते हैं, बैंक निफ्टी का एक बड़े से रेंज में चल रहा है एज़ यूजुअल। बट एट द सेम टाइम आप ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम एक्सटेंड करके देखते हैं, जो दिसंबर से एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है काफ़ी टाइम से, तो उस ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट आती है तब हम अपनी कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उस ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो उसके लिए लेवल जो है 37,300 का काफ़ी क्रूशियल लेवल रहेगा। यहाँ से हम कोई बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड एट द सेम टाइम आप एक देख सकते हैं, एक अक्टूबर का जो ट्रेंड लाइन था, मार्केट उस ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है। 2 बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस लिया। यूजुअली इतनी पुरानी ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, बट इन दिस केस इट्स रिस्पेक्टिंग एट अ वेरी गुड लेवल। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं हाईज जो बन रहे हैं वो अच्छे खासे ट्रेंड लाइन पे भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप अगर क्लोज अटेंशन देंगे तो मार्केट ने एक अच्छे खासे सपोर्ट का भी ब्रेक दिया। आज 38,700 का मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया और आज काफ़ी अच्छे खासे डाउन मूवमेंट के साथ मार्केट बंद हुई है। तो नेक्स्ट वीक के लिए द लेवल्स ऑफ 38,800 इन बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी क्रूशल। आप इसके ऊपर के कॉल्स बेच सकते हैं विथ द स्टॉप लॉस ऑफ 38,800। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तब आप अपने कॉल्स पे उसे एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा और यहाँ पे हमें कुछ अगर बाइंग देखने को मिल जाती है तब हम यहाँ से फिर एक अपनी लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी इज़ एक्सपेक्टेड टू गो डाउन बाई अ फ्यू पॉइंट्स इन द कमिंग वीक, एंड फॉर द अपसाइड 38,800 विल बी अ स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट सेल इन बैंक निफ्टी। और गाइस चलते हैं निफ्टी की तरफ। सी निफ्टी एट द सेम टाइम, सी निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह काफ़ी वॉलेटाइल है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े स्विंग्स हो रहे हैं, मार्केट बहुत अच्छे खासे स्विंग्स ले रहा है ऊपर की तरफ, फिर उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। तो ज़िगज़ैग मूवमेंट एक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रही है, और एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिया बट मार्केट फिर से उस रेंज के अंदर आके क्लोज हुआ है आज फ्राइडे को। तो निफ्टी के लिए भी नेक्स्ट वीक का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो इस लेवल का होगा, जो कि अराउंड 17,460-17,500 का लेवल निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर ये कॉल्स आप सेल कर सकते हैं विथ दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस। और मार्केट अगर 17,300 के नीचे ट्रेड करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट इवन फर्दर प्राइसेस इन निफ्टी टू गो डाउन। देखिए एक बहुत बड़ी रेंज चल रही है, उस रेंज के अंदर भी अच्छे खासे ऊपर और नीचे के स्विंग्स चल रहे हैं, और रेंज में यूजुअली यही होता है कि मार्केट के और एक जब एक बड़ी सी रेंज बन जाती है तो उस रेंज के बीच में मार्केट में अप स्विंग्स भी रेगुलरली होते हैं और डाउन स्विंग्स भी रेगुलरली होते हैं। तो इट ऑल कम्स डाउन टू मैनेजमेंट। रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती रहती है, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी वेरी क्विक टू बुक योर प्रॉफिट्स, और आपको ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे अपना एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए एट ऑल टाइम्स। So that's it for today guys. I hope you liked the video, and if I provided any sort of value, don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon, share the videos with your friends and family so that we can all learn the art of successful technical analysis. Thank you very much. Take care.